हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद है सारे बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। और बच्चे, 2023-24 में आप एग्जाम दिए थे नेत्रहार विद्यालय का, जिनका रिजल्ट भी आउट हो गया था और उनकी मेडिकल के लिए आपको नहीं बुलाया गया था, है ना। और काफी बच्चे इसके इंतजार में, जो बच्चे नए स्कूल में जाने वाले थे वो भी परेशान थे कि एडमिशन ले या नहीं ले, कब इसका मेडिकल होगा, सेकेंड लिस्ट कब आएगा। और इस बार नेत्रहार विद्यालय ने क्या किया था कि बहुत अच्छे टाइम पे एग्जाम भी कंडक्ट हुई थी। आपका 29/10/2023 को ही एग्जाम हो गया था इसका। 29/10 को एग्जाम होने के बाद इनकी रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ गई। मात्र लगभग आपका 2 महीने में आपका रिजल्ट आ गया। 2 महीने में नहीं कह सकते, 1 महीने में रिजल्ट आ गया, एक है ना। 9/12 को इसका रिजल्ट भी आउट हो गया था। 9/12 के बाद का समय जो बच्चों का इंतजार था, उनके बाद पेपरों में सुर्खियों में आना, है ना, अलग अलग चीजों पे न्यूज़पेपर में आना कि नया रिजल्ट आएगा या फिर इसी रिजल्ट को या फिर दोबारा एग्जाम कंडक्ट होगा, बहुत सारी चीजें आई थी। लेकिन अगर मैं इस रोल नंबर को, सारे रोल नंबर को देखूं, तो जो 100 रिजल्ट पहले आया था आपका नेत्रहार विद्यालय का, वही रिजल्ट अभी भी है, वही रोल नंबर वही भी है, केवल रोल नंबर को थोड़ा आगे पीछे किया गया है ना। खैर, जो भी बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट है उन सभी को बधाई, और आपको मेडिकल के लिए बुलाया गया है। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। क्या क्या चीजें लेकर के जाना है, कब जाना है, किस किस रोल नंबर को कब कहाँ पे जाना है, ये सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे और कुछ गुड न्यूज भी देने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो ये देखिए, पिछले बार जब मेडिकल के लिए बुलाया जाता था और इस बार मेडिकल को बुलाने में एक थोड़ा सा आपका डिफरेंस है ना, जो थोड़ी सी चीजों को, वर्ड को चेंज किया गया है ना। आप देखिएगा यहाँ पे कि 2023-24 द्वारा औपबंधिक रूप से चयनित बच्चे, जो बच्चे को अभी मतलब रिजल्ट के बेसिस पे, है ना, अभी मतलब फाइनल नहीं हुआ है, उन बच्चों को क्या कि मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया है, जिसमें स्वास्थ्य जांच के साथ साथ, है ना, एक चीज नया ऐड किया गया है, उम्र का भी निर्धारण किया जाएगा। और इसको इस बार कड़े नियम से मतलब चेक किया जाएगा, है ना। पहले उम्र को देखो, पहले भी उम्र की चेक होती थी लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन इस बार उम्र का भी निर्धारण किया जाएगा। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल रांची द्वारा निर्धारित तिथियों को में निम्न अनुसार किया जाएगा। मतलब होता क्या है ना कि बच्चे लोग अपनी एज को कम कर लेते हैं, 3-4 साल कम कर लेते हैं, और वो दिखते हैं 15-16 साल का और दिखाते हैं कि हम 12 साल का हैं, और वो फॉर्म भर रहे होते हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। तो ये चीज इस बार नहीं हो पाएगा। मेडिकल चेकअप में आप जाएंगे, आपका बोन की टेस्ट होगी, और आपका उम्र अगर बहुत ज्यादा अंतर दिखता है तो आपके सभी, आपके जो उम्मीदवारी है उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब देखो, 25-25 बच्चों को इन्होंने बुलाया है, एक दिन में 25 बच्चों को बुलाया है। पहला जो आपका मेडिकल चेक है वो कहाँ पे होगा? सदर अस्पताल रांची में, है ना, ये मैन आपका मेन रोड में है, सेंट जेवियर स्कूल के बगल में ही है, ठीक है। तो आपका 25 बच्चों को बुलाया है किस डेट को? 4/4/2024, 4 अप्रैल को, है ना। मतलब लगभग 4-5 दिन आपके पास टाइम है। 10 बजे सुबह में कहाँ पे? सदर अस्पताल रांची को। इस रोल नंबर को थोड़ा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन में आपका दिख रहा होगा इस रोल नंबर को। अभी जो जो रोल नंबर, यहाँ 25 रोल नंबर है, इनको जाना है, 10 बजे पहुंचना है। क्या क्या लेके जाना है अभी हम इसको करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 तारीख को इसमें 25 रोल नंबर और बुलाया है ना, जिसमें ओबीसी के बच्चे हैं और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चे भी हैं इसमें, है ना, 26 से लेकर 50, है ना, ये काउंटिंग में बता रहा हूँ, बाकी रोल नंबर का आप ये चेक कर लीजिएगा। और फिर से 25 बच्चों को 6 तारीख को बुलाया है, शनिवार को, है ना, उसमें भी 25 बच्चे हैं, और फिर 25 बच्चों को 4 दिन में, कौन से 4 दिन में मेडिकल चेक होगा 25-25 बच्चों का, 76 से लेकर के 100 तक। जो शारीरिक जांच में अगर आप इस डेट में नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो उस अनुपस्थिति में आपकी उम्मीदवारी को स्वतः रद्द माना जाएगा। मतलब आपकी मेडिकल दोबारा, आपकी मेडिकल के लिए दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा मेडिकल के लिए। तो आप कहीं भी रहें, आपका अगर आपने इतनी साल से मेहनत करी है, इतनी कठिन तपस्या हम कह सकते हैं क्योंकि रिजल्ट आना इतना आसान नहीं होता है, तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको इस डेट मिला है तो आप सब कुछ काम छोड़ करके जरूर यहाँ पे पहुंचे, उम्मीदवारी आपका रद्द ना हो। और अभिभावक कृपया अपने प्रतिपाल्य को निर्धारित तिथि एवं समय पर नामांकित अनिवार्य प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ सदर अस्पताल रांची में शारीरिक जांच के लिए पहुंचेंगे, ठीक है। स अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड,
एक ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ में क्या चाहिए इनको, इनको जेरोक्स कॉपी भी चाहिए। ठीक है, क्या क्या लेके जाना है? सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। जो एडमिट कार्ड लेकर के आप एग्जाम देने के लिए गए थे, वही एडमिट कार्ड मुझे लगता है कि आपने नहीं खोया होगा, अच्छे से संभाल के रखा होगा। उस एडमिट कार्ड को लेकर के आप, या तो अगर आप पीडीएफ फॉर्म में आपका होगा सेव करके रखे होंगे तो उसको आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। साथ में अभ्यर्थी का आधार कार्ड भी चाहिए, है ना, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, फोटो फोटो आईडी प्रूफ के लिए। तो ये दो चीज आपको लेकर के जाना है। साथ में आपको अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तो आपने डाला ही होगा। खैर, एग्जाम जब एग्जाम का फॉर्म भरा रहा था उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि अनुमंडल का, उसने अंचल पदाधिकारी का भी उसने किया था कि अंचल पदाधिकारी का भी मान्य हो जाएगा, बट इसने पता नहीं इस बार क्यों अनुमंडल पदाधिकारी लिखा है यहाँ पे। तो ये आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो बन गया, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम में ही अपने आपने ये सब चीजें अपलोड करी थी। साथ में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ST ST से बिलोंग करते हैं, या फिर आप मतलब एज का वो लेना चाहते हैं, जाति, या फिर EWS प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षित वर्ग का फायदा ले रहे हैं, उसी में आपका लिस्ट में नाम है, तो वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। साथ में आपका जन्म प्रमाण पत्र, है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी आपको कार्यालय निबंध, जन्म मृत्यु निबंधक कार्यालय, नगर निगम या पंचायत द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र आपको जमा करना है। पांच चीज हो गया। पांच चीज के अलावा आपको एक चीज और भी मांगा है कि 2022-23 या उसके पूर्व, है ना, क्योंकि 23-24 में आपका, 2023-24 में आपका एग्जाम हुआ सेशन के लिए हुआ था, जिसमें आप क्लास 6 में पढ़ रहे थे, है ना, 23-24 के सेशन में आप क्लास 6 में पढ़ रहे थे, मतलब आपने पहले ही एग्जाम 5वीं पास कर ली थी। तो ये कह रहे कि उसके पूर्व 5वीं कक्षा में उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र आपको, जब भी आपने किया है उसका 5वीं क्लास का उत्तीर्ण का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आपके पास क्या होगा? आप TC कटवा के मत ले जाना, है ना, TC कभी इसमें TC नहीं मांगा है। आप उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में आप अपना मार्कशीट ले जाइए, जो एग्जाम हुआ था मार्कशीट ले जाइए, या मार्कशीट तो अब तो सरकारी स्कूल भी देने लग गया है ना मार्कशीट के फॉर्म में, उनको ले जाइए, वही आपका उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है। ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच में सफल होने पर, मतलब ये 6 सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद आपकी मेडिकल हो जाएंगी। यहाँ पे मेडिकल होने के बाद अगर आपका मेडिकल में आप ओके होते हैं तो ये आपका एक और विज्ञापन आएगा, प्रकाशित विज्ञापन, है ना, मतलब 10 साल के आलोक में सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत करने के सत्यापन के पश्चात व्यक्ति का नामांकन के पात्र होंगे, है ना। आपका एक और विज्ञापन आएगा, उस विज्ञापन में आपको TC वगैरह जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो सारा आपको लिस्ट बना करके, ये आपको पूरा हम भी आपको बताएंगे यहाँ चैनल पे, ठीक है, वो पूरा लिस्ट बना करके आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लेकर के जाना है ना, TC वगैरह को आपको कहाँ कहाँ पे साइन करवाना है, ये सारी चीज आपको दिया हुआ रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें लेकर के जाना है। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और बेटा एक चीज और आपको गुड न्यूज देना है कि हम मैथमेटिक्स का, जो बच्चे स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो नेतरहाट हो, या फिर रामकृष्ण मिशन हो, किसी भी आप इंट्रेंस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा मैथ्स का हम बेसिक से लेकर के, है ना, बेसिक से लेकर के एडवांस, है ना, एडवांस तक मैथ्स की एक जर्नी शुरू कर रहे हैं, सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे 1 अप्रैल से, है ना, जो आप सभी को काम आने वाला है। टाइमिंग हम ग्रुप यूट्यूब पे हम अपडेट कर देंगे, है ना, शाम को 8 बजे का ही आसपास टाइमिंग रहेगा ये, है ना, एक बार देख लेना। फिर भी 1 अप्रैल से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम थ्योरी, जिसमें कॉन्सेप्ट, है ना, और प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, थ्योरी और कॉन्सेप्ट को साथ साथ में जर्नी करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये चीज है। और क्लास 6 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका साइंस का जो वीडियो है पूरा, मतलब पूरा ओवरऑल साइंस क्लास 6 का पूरा यूट्यूब पे हम फ्री करवा रहे हैं, है ना, नवोदय विद्यालय की कोर्सेज फ्री करवा रहे हैं। तो ये चीज के लिए आप उन बच्चों को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो जिनको जरूरत है ये चीज का। ठीक है, बाकी नेत्रहाट विद्यालय का 2025-24-25 का जो सेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसके लिए आपको रैपिड एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, है ना, क्लासेस ऑलरेडी जनवरी से ही स्टार्ट हो गया है ना, तो वहां पे जाकर के बैच को परचेस कर सकते हैं, बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बार एग्जाम भी लेट होना है, आप सभी को पता ही हो कि दोनों इलेक्शन है, तो लेट होगी, काफी टाइम मिल जाएगा हमें पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाएगा, है ना। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद,
जय भारत।